लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 11 के लिए फिजिक्स सीरीज का पार्ट 20 लेकर आई हूँ। आज मैं बताऊंगी वेग। इसके पहले पार्ट में बच्चों हमने चाल के बारे में बताया था। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल हम आपको बता चुके हैं, ये अदिश राशि है। अब आइए वेग। वेग जो है एक ऐसी भौतिक राशि है जो वस्तु की गतिमान वस्तु की चाल के साथ साथ दिशा का भी बोध कराती है। यानी एकांक समय में जो विस्थापन होता है उसको कहते हैं वेग। वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। ये सदिश राशि है, इसकी दिशा वस्तु के गति की दिशा होगी। अब आइए, वेग दो प्रकार के होते हैं। एक समान वेग, जब समान समय में समान विस्थापन होता है तो एक समान वेग कहा जाता है, और दूसरा है असमान वेग, जब समान समय में असमान विस्थापन होगा तो असमान वेग या नॉन यूनिफॉर्म वेग कहा जाएगा। अब वेग जो है वेक्टर साइन है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस विस्थापन हो रहा है तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी औसत वेग होगा डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। अब ये तो औसत वेग एक टाइम इंटरवल में हो गया। किसी पर्टिकुलर क्षण पे, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो वेग होता है उसको कहते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये होगा डी एस अपॉन डी टी। विस्थापन को हम समय के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो हमको वेग मिलता है, ठीक है। अब देखिए, हम आपको दूरी और विस्थापन में कुछ अंतर करना बताएंगे उदाहरण की सहायता से। एक व्यक्ति अर्धवृत्ताकार पथ पे जिसका कि डायमीटर जो है ये 2 मीटर है, एक सिरे ए से अर्धवृत्ताकार पथ पे होता हुआ बी सिरे तक पहुंच गया। देखिए डायमीटर क्या है, व्यास 2 मीटर, तो त्रिज्या आर होगी 1 मीटर। तो देखिए चली गई दूरी तो अर्धव्यापा आधी परिधि हो गई। ये क्या हो गया, दूरी क्या हो गई, चली गई दूरी बराबर पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू 3.14, आर है 1 मीटर, तो ये हो गया 3.14 मीटर, ये दूरी हो गई। अब आइए विस्थापन। अंतिम स्थिति ये है, प्रारंभिक स्थिति ये है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ये कितनी है, 10 मीटर के बराबर। तो विस्थापन क्या हो गया, 2 मीटर। समझ में आया बच्चों, दूरी और विस्थापन में अंतर करना। अब एक एग्जांपल हम और आपको बताते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति पहले 3 मीटर पूर्व दिशा में, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पहले एक व्यक्ति पहले पूर्व दिशा में 3 मीटर और फिर उत्तर दिशा में 4 मीटर चली गई दूरी, यहां पे क्या होगी, 3 + 4 मीटर बराबर 7 मीटर। अब विस्थापन देखिए, अंतिम स्थिति ये है और प्रारंभिक स्थिति
कर्ण है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आपका 5 मीटर हो गया। तो विस्थापन बराबर हुआ 5 मीटर। ठीक है, इसको आप आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर करके आपके 5 मीटर निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।